सनातन धर्म में वृक्ष और पत्थर की पूजा क्यों करते हैं लोग? सनातन धर्म संपूर्ण मानव जाति का धर्म है, पहले समझना। सनातन धर्म जो है संपूर्ण मानव जाति का धर्म है, आज कंट्री में माना जाता है लेकिन सब देश के भाषा में माना जाता है। जैसे इंग्लैंड देश है तो वहाँ पर इंग्लैंड भाषा है, वहाँ की अंग्रेजी भाषा है GOD, जी से जनरेशन करना, ओ से ऑपरेट करना, डी से डेथ करना, ये तीनों कार्य है उस परमात्मा के, गॉड के, इसलिए वो परमात्मा है। अलविता, अल माने सृष्टि करना, वित्ता माने पालन करना, आ माने नाश करना, ये इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं इसको। ईसाई हो इस्लाम हो गया, रह गए हिंदू। अउमा, आज से सृष्टि करना, उससे उनका पालन करना, और मत से महेश है नाश करने वाले हैं। यही तीनों तत्व हैं संपूर्ण भूखंड पर, पृथ्वी जहाँ तक है सब जगह सनातन धर्म माना जाता है, वे अपने भाषा में बोलते हैं, यही अंतर है। अब रही बात है कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग कितने प्रकार के हैं। कुछ तो कहते हैं मूर्ति के उपासक नहीं हैं, कुछ तो कहते हैं मैं मानव को ही प्रणाम नहीं करता हूँ, आदर करता हूँ और परमात्मा के सामने ही सजदा करूँगा, जैसे इस्लाम यह मानता है, क्रिश्चियन मानता है। लेकिन सनातन धर्म का मूल तत्व क्या है? सनातन धर्म का मूल तत्व है कर कर में व्याप्त परमात्मा है। संपूर्ण चराचर जगत में थल जल नभ चर जितने भी हैं सब जगह परमात्मा का ही निवास है। जब परमात्मा सब जगह है, पत्थर में भी है, वृक्ष में भी है, कणकण में भी है, तो उन सब की पूजा इसलिए करते हैं कि उनसे हमको कुछ प्राकृतिक रूप से सुविधा मिलती है। जैसे प्राणवायु जो है वो वृक्षों से मिलता है, इसलिए तो मैं वृक्ष की पूजा करता हूँ, उसको सुरक्षित रहे। हम धर्म से मानते हैं कि वह सजीव रहेगा तब उसको जल मिलेगा, सजीव रहेगा उसके आजू बाजू सफाई रहेगी तब तो ऑक्सीजन देगा। वो प्राणवायु देने वाले को हम काट करके बर्बाद कर दें, ये हमारे यहाँ धर्म नहीं है। और सनातन धर्म में सारे जीवों को सुरक्षित रखने के लिए ध्यान दिया गया है, इसलिए समस्त जीवात्मा को सुरक्षित करना है मुझे, तो उनका प्राणवायु कहाँ से मिलता है? निश्चित है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जितने वृक्ष हैं ये सब ऑक्सीजन के रूप में मुझे देते हैं, जिसके द्वारा हम सजीव रहते हैं, इसको प्राणवायु भी कहते हैं। प्राणवायु जहाँ से मिलता है उसको मजबूत रखना है, सुनिश्चित रूप से उसका सेवन करना है, उसकी सुरक्षा करनी है, इसलिए पूजा में बांध दिया गया है। इसी तरह तुलसी, नीम, पीपल, ये वृक्ष जो होते हैं हमारे शरीर को, हमारे संसार को, हमारे जलवायु को पवित्र करते हैं, दृष्टि भी करते हैं। बड़े बड़े पत्थर जो पहाड़ के रूप में है ये हवा को रोक करके हमारे स्थल पर वृक्ष दृष्टि करवाते हैं, ये हमारे साथ बहुत ही मैत्री संबंध रखते हैं। हम अपने मित्र को कभी उदास नहीं होने देते हैं, इसलिए वृक्ष की भी पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। और दूसरे दृष्टिकोण से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी पत्थर में भगवान जल्दी प्रकट हो जाते हैं। मानव के हृदय में यदि अंधकार है तो उसके पास नहीं है, कर्म में है। मानव के हृदय क्षेत्र में उनको रहने का निवास तो है, लेकिन हृदय क्षेत्र में यदि अल्कोहल, दारू, गांजा, सिगरेट छोड़ते रहते हैं, परमात्मा आपका दास तो नहीं है, वो परम स्वतंत्र है, रक्षा करेगा दूर रख करके। इसलिए जिसके पास दारू है, गांजा है, अफीम है, सिगरेट है, ऐसे महातत्व जो हैं वो शरीर को नरक बना रखे हैं, अनरक में परमात्मा नहीं रहता है, नरक में कभी ईश्वर नहीं रहता है। ईश्वर कभी भी रहता है सच्चे मानव के हृदय क्षेत्र में रहता है, हर मानव के हृदय क्षेत्र में रहने का निवास करने के लिए स्थान बनाया है, लेकिन उसके स्थान पर मल छोड़ रहे हैं, गंदगी छोड़ रहे हैं, गांजा छोड़ रहे हैं, अफीम छोड़ रहे हैं, पोस्ता छोड़ रहे हैं, ये सब चीजें जो है उसको पसंद नहीं है। उसको पसंद क्या चाहिए? पवित्रता, खुशबू, ब्यूटीफुल व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए। हाँ, कीचड़ में यदि आप हैं तो आपकी रक्षा तो करेगा, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए। जब भाव अच्छा होगा तो विचार अच्छा होगा, और जब विचार भाव दोनों अच्छे होगा उसके अंदर दारू कैसे आएगा, उसके अंदर गांजा कैसे आएगा? उसके अंदर कहते हैं हम तो विचार से शुद्ध हैं, हाँ हमारा विचार शुद्ध, गांजा पी के बाद भगवान भोलेनाथ कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने समस्त जीवात्माओं को
आदेश दिया है कि जो अमंगलकारी वस्तु हैं, विष, सांप, भयंकर जीव, गांजा, कारू, सब मुझे दे दो, तुम स्वच्छ होकर के मानव क्षेत्र में रहो, यह आदेश दिया था। आज मानव जो है उल्टा करने लगे हैं, हर हर भोले, बम बम भोले, टाटन गांजा चलेगा, तो ऐसा भगवान के आदेश का उल्लंघन भी करते हैं, साथ ही साथ कहते मेरा धर्म ही है। ये मानव का क्रूर व्यवहार है, निष्ठुर व्यवहार है, निर्मम व्यवहार है। ऐसे व्यवहार वालों के पास भगवान कभी नहीं जाता है। उससे अच्छा है वृक्ष, उससे अच्छा है पत्थर।